Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Priyanka and I will be happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मेरा जो है बेस पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है. सिर्फ मेरे आईज़ ही मैंने कुछ भी नहीं किया है, आईज़ में मैंने कुछ भी नहीं किया है. तो जैसे आप टाइटल में देखे होंगे कि मैं आज जो है SFR Hated We Love दिस ये जो पैलेट है 63 कलर्स, इसका मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ. तो आपको पहले इसका पैकेजिंग बता देती हूँ. तो ये ऐसे पैकेजिंग में आता है जैसे कि हमारा एक बुक टाइप का पैकेजिंग में आता है, क्योंकि ये आपको यूज़ करने में भी इजी होता है. तो ये ऐसे हम ऑटोमेटिक मतलब मैग्नेट लगा हुआ है, तो ये अच्छे से बंद भी हो जाता है. तो ये हमारा बुक जैसा ऐसे पैकेजिंग में आता है. और यहाँ पे आपको ये पूरा 63 कलर्स दिख जाएंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आपको प्राइस डिटेल्स नहीं मिलेंगे, पर मैंने ये जो है एक शॉप से लिया था, कलकत्ता से लिया हुआ है. तो ये मुझे सिर्फ 500 पड़ा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे साइट्स में और इंस्टाग्राम में बहुत जगह ये इसका इंक्वायरी की थी इसका प्राइस का. तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कोई बोल रहा था 600 और कोई 650. तो कप्स एंड लेसेस में तो ये 799 का था. तो ऐसे आपको बहुत ही ज़्यादा पड़ता है. और मैं एक बार कलकत्ता गई थी तो वहाँ पे एक शॉप में देखी तो ये मुझे 600 वो बोल रहे थे, पर हमने उनको बोल के ये 500 में लिया हुआ है. तो हाँ, ये जो पैलेट है उसके अंदर हम लोग अभी ओपन करते हैं तो हमको ये ऐसे पैकेजिंग में आता है. तो ये जो है इस यहाँ पे आपको एक छोटा सा मिरर मिल जाता है, और ये बहुत ही लाइक फ्लेक्सिबल रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हैं अच्छे से. और यहाँ पे आपको 63 कलर्स मिल जा रहे हैं, आपको मैट भी मिल रहा है, यहाँ पे ग्लिटर भी मिल रहे हैं, सिमरी शेड्स भी मिल रहे हैं. तो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छा पैलेट है. अगर कोई नया नया लुक क्रिएट करके अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर कलर्स आपको मिल रहे हैं एक ही पैलेट में. तो इससे और प्राइस भी इसका बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग इसको लेके यूज़ कर सकते हैं. तो आज मैं मेरे दोनों आईज़ में दो डिफरेंट आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ. एक में थोड़ा ड्रामेटिक क्रिएट कर लूँगी और थोड़ा और दूसरा साइड में कुछ लाइक नॉर्मल सा क्रिएट कर लूँगी, ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए कि कौन सा कलर का कितना लाइक पिगमेंटेशन है. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये आई शेडो का पिगमेंटेशन कैसा है और सारा चीज़ हम लोग. तो यहाँ पे अभी मैं सबसे पहले जो कलर यूज़ कर रही हूँ वह है येलो कलर, जो यहाँ पे इसका नेम है प्रीटी गर्ल. ये प्रीटी गर्ल कलर मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे. तो आप लोग देख सकते हैं कि ये येलो मैंने अभी एक ही बार लेके लगा ली है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है. नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पे जो डार्क नाइट कलर है, ये जो है डार्क नाइट, मैं यहाँ पे ये डार्क नाइट ले रही हूँ. गाइज इसका फॉल आउट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं. बस थोड़ा सा भी आप ले रहे हैं तो फॉल आउट कितना ज़्यादा हो रहा है ये देखिए. पर पिगमेंटेशन जो है बहुत अच्छा है. फॉल आउट रोकने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, जब आप ये कलर यहाँ से निकाल रहे हैं तो बस थोड़ा सा एक बार इसको डैप कर दीजिए ऐसे, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कलर यहाँ से निकल रहे हैं. सो नेक्स्ट हम लोग ले लेंगे यहाँ पे या दिस हे बेब या. कोई भी कलर अगर मैं एक ही बार ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं मतलब पिगमेंटेशन जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है. ओके सो ये इतना ज़्यादा फॉल आउट हो रहा है कि मतलब ठीक है, इसको हम बाद में क्लीन कर लेंगे जब हमारा पूरा ये आईज कंप्लीट हो जाएगा. तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले लूँगी डार्क ब्राउन. कलर तो पिंक है पर इसमें मेंशन है डार्क ब्राउन, इसका जो ये पैलेट में उसका नाम है डार्क ब्राउन. यहाँ पे मैंने चार कलर्स तो यूज ही कर लिए हैं, 1 2 3 4 या चार कलर मैंने यूज कर लिए हैं. अभी हम लोग क्या करेंगे, वो चार कलर को थोड़ा सा हम लोग ऐसे
चारों को मिला के ब्लेंड कर लूँगी तो ताकि मतलब कलर्स का मिक्स हो जाए और नेचुरल दिखे। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं क्रीज के ऊपर सिर्फ ये सॉरी इसका ये है ड्रीम लाइट दिस वन दिस कलर। या तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 5 कलर्स ऑलरेडी यूज़ कर लिए और मैंने क्या किया यहाँ पे नीचे 3 कलर्स यूज़ किए हैं। ये जो है आपका एक शिमरी सेड है और ये जो है यहाँ पे एक मैट कलर आई वॉन्ट ऑल और यहाँ पे ये जो पिंक वाला है क्रिसमस इसको, ये तीनों लेके मैंने बस यहाँ पे वाटर लाइन में अप्लाई कर ली है। ओके सो ये वाला आईज तो हमारा हो गया। अभी ये हम लोग नेक्स्ट जो आईज है यहाँ पे हमने सीमरी मैट वाला कलर यूज़ कर लिया। अभी ये वाला जो आईज है इसमें मैं आपको ग्लिटर यूज़ करके दिखाऊँ। नेक्स्ट ये वाला आईज में मैं पहले ही यहाँ पे ले रही हूँ ये जो है क्लिक द मॉल्स ये वाला ग्रीनिश कलर है तो इसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। आप बस एक दो बार में ही डिफरेंस देख सकते हैं ये कलर का भी बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मैं ये वाला आई वॉन्ट ऑल वाला कलर फिर से ले रही हूँ। अभी मैं क्या करूँगी यहाँ पे मेरा पॉलिश यू वाला जो है ये एक शिमरी सेट है ये देख सकते हैं पॉलिश यू इसको लेके मेरा इनर कर्नर और आउटर कर्नर में ही लगाऊंगी। तो या तो अभी मैं एक काम करूंगी अभी आप लोग कोई कोई होता है जिनको मतलब हाथ में कलर्स अप्लाई करना बहुत ही इजी रहता है तो मैं अभी क्या करूंगी वही सेम जो पुश यू वाला जो सिमरी कलर है इसको मैं आउटर कर्नर में तो लगा ली हूँ पर इनर कर्नर में मैं हैंड में अप्लाई करूँगी इसको ताकि आप लोग को भी पता चले कि हैंड में वो कैसा अप्लाई हो रहा है। सो हाथ में आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका पिगमेंटेशन आ रहा है। तो अभी मैंने दोनों साइड में तो लगा लिए। मैं नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताई थी कि मैं यहाँ पे आपको ग्लिटर यूज़ करके दिखाऊंगी ग्लिटर भी मैं अभी में ही ले रही हूँ तो इसका बीच में ही मैं ग्लिटर लगा रही हूँ। इसका ग्लिटर जो है आप मतलब इसका पूरा अंदर तक ही ग्लिटर है। मैं अभी ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है और देखिए अप्लाई करने के लिए भी बहुत ईजी लग रहा है। तो हम लोग का ये भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया दे दिया ग्लिटर यूज़ करके। तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे भी वाटर लाइन में हम थोड़ा सा कुछ डार्क कलर्स अप्लाई कर लेंगे। रोज़ गोल्ड है ये वाला कलर इसको लेके मैं मेरा वाटर लाइन में अप्लाई कर लूँगी। इसको भी मैं हैंड में ही कर रही हूँ। फिर नीचे हम लोग और एक कलर भी यूज़ कर सकते हैं या तो नीचे हम लोग फिर ये वाला कलर भी अप्लाई कर लेंगे जो है अंजलिक। सो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने दोनों आईज में पूरा कंप्लीट कर दिए और दोनों आईज में लगा लिए। सो अभी नेक्स्ट मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप यहाँ से चाहे तो आपका हाइलाइटर के लिए भी कलर यहाँ पे अवेलेबल है जैसे कि ये है ये है ये है ये 3-4 सिमरी कलर्स है जिसको आप लेके हाइलाइटर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी ये जो है शाइन ब्राइट करके एक कलर है तो इसको लेके मैं अपना जो दोनों आईज मैंने किया हुआ है इसका इनर कर्नर में अप्लाई कर लूँगी ऐसे।
फिर नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, उसी सेम कलर को लेके यहाँ पे जो है मेरा आईब्रो के नीचे अप्लाई कर लूँगी।